नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी लोकसभा चुनाव के ऐलान की, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर आयोग के दावे की, बात करेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन की, मोदी सरकार पर कांग्रेस के आरोपों की, जानेंगे अब किस मुसीबत में फंसा अडानी ग्रुप, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। चुनाव के लंबे कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा 70-80 दिन रुक जाएगा विकास, ये कैसा डिजिटल इंडिया। लोकसभा चुनाव के लिए सपा की पांचवी सूची जारी, 6 उम्मीदवार किए घोषित, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को बनाया उम्मीदवार। YSRCP ने आंध्र प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटों के साथ 175 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का भी किया ऐलान, आंध्र में लोकसभा के साथ होंगे विधानसभा चुनाव। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार के कविता 7 दिन की ईडी की हिरासत में, ईडी ने BRS नेता को हैदराबाद से किया था गिरफ्तार, आज दिल्ली की कोर्ट में किया था पेश। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनावों का बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने आज देश में आम चुनाव के ऐलान के साथ ही 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही देश के 13 राज्यों की 26 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। तो कहां और कब डाले जाएंगे वोट, देखिए ये रिपोर्ट। देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी तो आखिरी यानी 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग कराई जाएगी। 4 जून को काउंटिंग होगी और इसी दिन चुनाव परिणाम सामने आ जाएंगे। यानी पहले चरण की वोटिंग से लेकर नतीजे तक इसमें 46 दिन लगेंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनावों की तारीखों का ऐलान करते हुए कहा, पहले चरण में 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग, दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 89 सीटों पर वोटिंग, तीसरे चरण में 7 मई को 12 राज्यों की 94 सीटों पर वोटिंग, चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग, पांचवे चरण में 20 मई को 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग, छठे चरण में 25 मई को 7 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग, सातवें चरण में 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने साथ ही 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए जाने का ऐलान भी किया है। आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी कराए जाएंगे। आंध्र में 13 मई, अरुणाचल और सिक्किम में 19 अप्रैल को विधानसभा चुनाव की वोटिंग होगी, जबकि ओडिशा में 4 फेज में 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। इसके साथ ही अलग अलग राज्यों की 26 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव वहां होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ कराए जाएंगे। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव अभी नहीं कराने का ऐलान भी किया है। चुनाव आयोग ने बताया कि इस बार लोकसभा चुनाव में 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन होंगे, वोटिंग के लिए 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। चुनाव आयोग जब चुनावों की तारीखों का ऐलान कर रहा था तो सभी की नजरें जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की तारीखों पर भी टिकी थी, लेकिन आयोग ने जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी के 4 राज्यों की तारीखें घोषित कर दी। तो कब तक हो सकते हैं जम्मू कश्मीर में चुनाव, देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं और यहाँ 5 चरणों में चुनाव भी कराए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए राज्य में विधानसभा चुनाव कराने से इनकार कर दिया है, जबकि करीब 5 साल से यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। पिछले साल 11 दिसंबर को तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर इसे लेकर सख्त टिप्पणी तक कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि 30 दिसंबर 2024 तक यहाँ विधानसभा चुनाव कराने होंगे। ऐसे में उम्मीद थी कि राज्य में लोकसभा चुनावों के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी करा दिए जाएंगे, लेकिन अब ये एक बार फिर टल गए हैं। इसे लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व CM उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें चुनाव आयोग से कोई उम्मीद नहीं है, हालांकि उसे जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करने में भूमिका निभानी चाहिए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए अब 10 साल हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है। इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर से करनी चाहिए थी। अगर आप इसे जम्मू कश्मीर से शुरू नहीं कर सकते तो हम क्या उम्मीदें रखेंगे। वे एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में जो ढोल पीट रहे हैं, क्या यह लोगों को धोखा देना और उन्हें मूर्ख बनाना नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये जरूर कहा कि लोकसभा चुनावों के बाद हम जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी कराएंगे, लेकिन साथ नहीं कराएंगे।
आज चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ तो आज ही कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन भी हो गया। अब 17 मार्च को मुंबई में इंडिया की रैली होगी, तो यात्रा में आज क्या कहा राहुल गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट। 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शनिवार यानी 16 मार्च को मुंबई पहुंची। मुंबई यानी यात्रा का अंतिम पड़ाव। 63 दिनों में 15 राज्यों से होते हुए कांग्रेस की इस यात्रा ने जनता के बीच न्याय का परचम बुलंद किया है। आज ये यात्रा महाराष्ट्र के ठाणे से हुई। धारावी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने एक बार फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा था देश से भ्रष्टाचार मिटाना है, फिर उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा ढांचा तैयार किया और अब सब सामने आया है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मोदी जी की पार्टी को करोड़ों रुपए देती है। कोरोना के दौरान एक तरफ लोगों की जान जा रही थी तो दूसरी तरफ वैक्सीन वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट नरेंद्र मोदी को पैसा दे रही थी। हिंदुस्तान में हफ्ता वसूली चल रही थी। कोई भी कुछ बोलता है तो ईडी सीबीआई आईटी को उन्हें डराने के लिए भेज दिया जाता है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने मोदी अडानी कनेक्शन पर एक बार फिर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अडानी मतलब नरेंद्र मोदी है, दोनों एक ही हैं। आप इन्हें मोडानी भी कह सकते हैं। यात्रा के अंतिम पड़ाव पर कांग्रेस ने अपनी पांचवी गारंटी यानी श्रमिक न्याय की भी घोषणा की है, जिसके तहत स्वास्थ्य अधिकार, श्रम सम्मान, शहरी रोजगार गारंटी कानून, सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षित रोजगार, इन पांचों बातों को ध्यान में रखते हुए श्रमिक वर्ग को गारंटी दी है। न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आम लोगों से मिले, उनसे बात की, उनकी बातें सुनी और इसके आधार पर कांग्रेस ने एक के बाद एक अपनी पांच गारंटियों की घोषणा की है। न्याय यात्रा ने कांग्रेस के लिए आगामी लोकसभा चुनाव का मजबूत आधार बना दिया है। अब देखना ये है कि लोकसभा चुनाव में इस यात्रा में उमड़ी जनसैलाब का क्या कमाल दिखाई देता है। चुनाव से ठीक पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने कांग्रेस के पक्ष में माहौल जरूर बना दिया है और इसका असर चुनाव के ऐलान के साथ ही कांग्रेस के तेवरों पर दिखाई दिया। कांग्रेस ने मोदी सरकार के साथ चुनाव आयोग को भी घेर लिया, तो क्या कहा कांग्रेस ने, देखिए ये रिपोर्ट। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए ईवीएम को सुरक्षित बताया और कहा कि विपक्ष के आरोपों में कोई दम नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि चुनाव आयोग के पास ये बयानबाजी करने का वक्त है, लेकिन हमारी समस्याओं का हल निकालने के लिए कोई वक्त नहीं। मीडिया से चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियों पर बात करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि चुनाव का बिगुल बजा है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस जनता के नाम पर वोट मांग रही है। जमीनी स्तर पर कांग्रेस ने जनता को पांच गारंटियां दी हैं, जिनके आधार पर वोट मांग रही है, लेकिन बीजेपी केवल मोदी के नाम पर वोट मांग रही है। उसके पास जनता को देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस चुनाव में फैसला होगा कि यह देश और हमारा लोकतंत्र मजदूर, किसान, मध्यम वर्गीय लोगों के कंधे पर चलेगा या चुनिंदा पूंजीपतियों के कंधे पर चलेगा। इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में संविधान और लोकतंत्र की ऐसी कोई मर्यादा नहीं बची है जिसे बीजेपी सरकार ने तार तार न किया हो। देश में ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा जिसके ऊपर अत्याचार नहीं हुआ। अब चुनाव का ऐलान हो चुका है तो कांग्रेस ने अपने तेवर भी सख्त कर लिए हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी को लगातार झटके मिल रहे हैं। अब दो और सांसदों ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया है तो कई नेता भी पाला बदलने की तैयारी में जुट गए हैं। तो चुनाव से पहले कैसे कमजोर हो रही है बीजेपी, देखिए ये रिपोर्ट। एक तरफ चुनाव आयोग ने चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी है तो दूसरी तरफ बीजेपी के अपने नेताओं ने पार्टी के खिलाफ बगावत छेड़ दी है। एक तरफ बीजेपी में सीट गठबंधन के मुद्दे पर राजनीतिक दलों में असहमति के चलते सहयोगी दल बीजेपी का साथ छोड़ने के संकेत दे रहे हैं तो दूसरी तरफ पार्टी के सांसद भी पाला बदल रहे हैं। बीजेपी के दो सांसदों ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपना इस्तीफा सौंप दिया। सबसे पहले तेलंगाना से पार्टी नेता और पूर्व सांसद एपी जितेंद्र रेड्डी बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो गए। बताया जा रहा है कि जितेंद्र महबूब नगर से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भाजपा की टिकट चाहते थे, लेकिन भाजपा ने यहां से डीके अरुणा को टिकट देकर मैदान में उतार दिया है। पार्टी हाईकमान से नाराज पूर्व सांसद कांग्रेस में शामिल हो गए। दक्षिण में भाजपा की स्थिति पहले से ही कमजोर है, ऐसे में नेताओं का दल बदलना उसे राज्य में और कमजोर स्थिति में पहुंचा देता है। वहीं मध्य प्रदेश से भाजपा के राज्यसभा सांसद अजय प्रताप ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने कारण का खुलासा नहीं किया, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया से नाराज बताए जा रहे हैं।
और कयास लगाए जा रहे हैं कि ये भी जल्दी ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी एक तरफ 400 पार का नारा लगा रही है और दूसरी तरफ अपने ही सदस्यों पर उसकी पकड़ मजबूत नजर नहीं आ रही। चुनाव के पहले पार्टी को मिलते इन झटकों ने बीजेपी के लिए आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर टेंशन बढ़ा दी है। बीजेपी का हर दाव उस पर उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। चुनाव से पहले लाया गया सीए भी उसकी चिंता को ही बढ़ा रहा है। देश में तो इसका विरोध हो ही रहा था, अब भारत के मित्र राष्ट्र भी इसे लेकर चिंता दिखा रहे हैं। अमेरिका तो लगातार भारत से सवाल कर रहा है। अब अमेरिका के भारत में राजदूत ने सीए को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीए को लेकर अमेरिका रुख अब भारत को लेकर लगातार सख्त होता जा रहा है। अमेरिका में भारत के राजदूत एरिक गारसेटी ने इसे लेकर सख्त विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने सीए को लेकर अपनी चिंता जताते हुए कहा कि ये लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। गारसेटी ने कहा कि आप अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ सकते, चाहे आप दोस्तों के कितने भी करीब क्यों ना हो या चाहे आपका सबसे बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो, आप अपने सिद्धांतों के लिए हमेशा खड़े होते हैं। अमेरिका अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगा, किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ सकता। गारसेटी ने कहा कि हम ये नहीं कहते कि हमारा लोकतंत्र परफेक्ट है, इसलिए हम आपको लोकतंत्र के सिद्धांतों के लिए खड़े होने के लिए आमंत्रित करते हैं। यह एक तरफा रास्ता नहीं है। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा था कि हम 11 मार्च को जारी की गई नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना को लेकर चिंतित हैं। हम इस बात पर निकटता से नजर रख रहे हैं कि इस अधिनियम को कैसे लागू किया जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान और सभी समुदायों के साथ कानून के तहत समान व्यवहार मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत है। हालांकि मिलर के बयान पर भारत ने अपना विरोध जताया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अमेरिका को भारत के अंदरूनी मामले में बोलने से बचने की सलाह भी दी थी, लेकिन इसके बाद अब अमेरिका के राजदूत के बयान ने साफ कर दिया है कि सीए का मुद्दा भारत का अंदरूनी मामला नहीं है और अमेरिका की इस पर पूरी नजर है। अमेरिका लगातार सीए पर सवाल कर रहा है, तो मोदी सरकार के करीबी माने जाने वाले उद्योगपति गौतम अडानी को भी अमेरिका में सवालों में फंसा लिया गया। अडानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिका में बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है, तो क्या है मामला, देखिए ये रिपोर्ट। अडानी ग्रुप पर एक बार फिर हेराफेरी के आरोप लगे हैं। अमेरिका में अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच भी शुरू हो गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये जांच रिश्वतखोरी के एक आरोप को लेकर शुरू की गई है। ये पूरा मामला एक एनर्जी प्रोजेक्ट से जुड़ा बताया जा रहा है। अधिकारी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अडानी समूह या फिर इससे जुड़े लोगों ने गैर कानूनी तरीके से लाभ हासिल तो नहीं किया। क्या भारतीय अधिकारियों को एक एनर्जी प्रोजेक्ट में मन मुताबिक काम करवाने के लिए रिश्वत देने की कोशिशें तो नहीं की गई? इस जांच के दायरे में भारतीय रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी अजोर पावर ग्लोबल लिमिटेड भी शामिल है। दावा किया जा रहा है कि जांच के दायरे में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी भी आ गए हैं। इस मामले पर ब्रुकलिन और वॉशिंगटन के न्याय विभाग के अधिकारियों ने किसी भी तरह की टिप्पणी करने से मना कर दिया है। बता दें कि अमेरिका का कानून अपने अधिकारियों को विदेश में हुए भ्रष्टाचार के मामलों में जिरह और जांच करने की अनुमति देता है, बशर्ते उस मामले में अमेरिकी इन्वेस्टर्स या मार्केट का पैसा लगा हो। दूसरी तरफ अडानी ग्रुप का कहना है कि वह भारत और ग्लोबल लेवल पर भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों का पालन करते हैं। ग्रुप को अपने चेयरमैन के खिलाफ किसी भी जांच की जानकारी नहीं है। अडानी ग्रुप और एज्योर दोनों भारत के नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग में प्रमुख प्रतिस्पर्धी हैं और उन्होंने सौर परियोजनाओं के लिए अनुबंध हासिल किए हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। देश में जो बात बीजेपी के बारे में कही जा रही होती है, पीएम मोदी बड़ी चतुरता से उसी बात को विपक्ष के ऊपर रखकर बोलना शुरू कर देते हैं। अभी जांच से ये पता चला है कि गैर कानूनी चुनावी चंदा लेने वाली पार्टी के रूप में बीजेपी सबसे बड़ा नाम सामने आया है। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने कांग्रेस और वाम दल को देश का सबसे बड़ा ठग बता दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी।
तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।